हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड, जिसमें हमने आरबीसी कवर किया था। लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी भी हमने कवर किया था। आज के हम वीडियो में हम बताएंगे वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूको मीन्स वाइट एंड दे आर डिफर फ्रॉम द रेड ब्लड सेल। जो हमारी आरबीसी से होती है उनसे ये डिफरेंस अलग होती है, क्योंकि इनमें एक न्यूक्लियस भी होता है एंड ये हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं करती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो आरबीसी होती है वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है एंड उसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है इसमें हमारा न्यूक्लियस होता है एंड हीमोग्लोबिन नहीं होता है। सो जो नंबर्स होते हैं हमारे जो डब्ल्यूबीसी के ब्लड में वो होते 4000 to 8000 पर mm³। सो मोस्ट ऑफ द WBC आर amoeboid एंड कैन प्रोड्यूस pseudopodias विच विद दे आर कैन स्क्विंच थ्रू द वॉल्स ऑफ द capillaries इनटू द टिश्यू। बहुत सारी आरबीसी, जो मोस्ट नंबर ऑफ द आरबीसी वो क्या होते हैं, amoeboid होते हैं। amoeboid मीन्स उनमें जो सेल्स होते हैं उनमें pseudopodias, मतलब ऐसे जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो ये हमारा सेल है, WBC का सेल है। तो ये क्या होता है, amoeboid शेप का होता है। इनमें pseudopodia मीन्स ये इस तरीके से अपने आप ही शेप बन जाता है इसका एंड ये कैपिलरी से इजली से निकल जाती है। सो बेस्ड ऑन द शेप एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक द वाइट ब्लड सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरी। बेस्ड ऑफ द शेप के बेस पे हम इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द ग्रेनुलर, अनदर वन इज अ नॉन ग्रेनुलर एंड फाइव डिस्टिंक्ट टाइप, और पांच अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे इस पेज में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द बेटर टर्म्स इज वाइट सेल्स और ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन टिश्यू फ्लूइड और इन लिम्फ और वेरी लिटिल टाइम अबाउट 10% इन द ब्लड। इनको वाइट ब्लड सेल्स इसलिए बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है मोस्टली ये कहाँ पड़े रहते हैं, टिश्यू फ्लूइड में होते हैं। मोस्टली ये टिश्यू फ्लूइड में पाए जाते हैं, लिम्फ के फ्लूइड में पाए जाते हैं एंड ब्लड में बहुत कम होते हैं। ओके, सो द ओरिजिन एंड लाइफ ऑफ द WBC, अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो WBC प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फ नोड्स में होते हैं एंड समटाइम इवन इन द लीवर में एंड स्प्लीन में। द एवरेज लाइफ इज अबाउट 2 वीक, 2 हफ्ते की इसकी एवरेज लाइफ होती है। द न्यूट्रोफिल्स लाइफ फॉर ओनली ए फ्यू आवर्स एंड अबाउट 125 billion न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस ईच डे। अब हमारे जो WBC के टाइप्स होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स एक टाइप होता है उसमें, वो केवल कुछ आवर्स तक ही रहता है और 125 billion न्यूट्रोफिल्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं हर दिन। एंड द ओल्ड एंड वन आउट WBC आर डिस्ट्रॉयड इन द सेम मैनर एज द RBC। जैसे RBC के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो डिस्ट्रॉय होते, सेम वैसे ही WBC हमारा डिस्ट्रॉय हुआ था। अगर हम फंक्शन पढ़े ल्यूकोसाइट्स के, तो ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन होते हैं, सबसे मेन फंक्शन होता है इसका बॉडी में डिफेंस करना। जैसे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आता है, न्यूट्रोफिल्स या फिर हमारे WBC जो होते हैं वो वहाँ पे जाके उस फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ यानी खा देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस इन विच मोस्ट WBC एंड पर्टिकुलरली द न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ पार्टिकल्स लाइक सॉलिड सब्सटेंस स्पेशली बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को वो इनगल्फ कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड उसको ख़त्म कर देता है। तो हमारी बॉडी में जो WBC होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। सो दिस इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट डिजीज जर्म्स। एंड एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC काउंट अप टू द अबाउट 50,000 और मोर पर क्यूबिक mm इंडिकेट सम इन्फेक्शन इन द बॉडी। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर WBC के काउंट ब्लड में बढ़े हुए आते हैं, क्योंकि ये अपना भी ऑटोमेटिकली WBC बढ़ जाता है अगर इन्फेक्शन होता है। अब सेकंड पॉइंट इज इसका सेकंड फंक्शन कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अक्कर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजरी एंड टू लोकलाइज इन्वेजन ऑफ द जर्म्स। इन्फ्लेमेशन कब होता है, जब हमारे एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, एक रिएक्शन होती है बॉडी में, अगर कोई जर्म्स का इन्वेजन हो जाए तो बॉडी एक अपने आप में एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन।
सो द इन्फ्लेम्ड स्पॉट हैज़ सेवरल करेक्टरिस्टिक, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं। कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वजह से इंक्रीज लोकल हीट, वहाँ की हीट बढ़ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगा एक्सेट्रा। हेयर द ल्यूकोसाइट स्पेशली द मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट थ्रू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय डाइपेडेसिस एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जम्स। क्या होगा, अब हमारे जो स्पेशली हमारे मोनोसाइट्स होते हैं एंड जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हमारी ब्लड कैपिलरी से बाहर जाके वहाँ पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड फाइट करते अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जम्स, जो जम्स डिजीज को कॉज कर रहे थे। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल्स बाय फैगोसाइटोसिस, ये सेल फैगोसाइटोसिस के द्वारा सेल्स को डैमेज कर देते हैं। पस इज मेनली कंपोज ऑफ डेड वाइट ब्लड सेल्स टूगेदर विद द टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉयड बाई द बैक्टीरिया। अब फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कैसे फॉर्म होती है, सो द WBC स्पेशली द लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है विच किल और न्यूट्रलाइज जम्स, जो जम्स हमारी बॉडी में आते हैं उसको किल कर देते हैं यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं द पॉइजन फ्रॉम द इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड जम्स और जर्म सब्सटेंस यानी कि वैक्सीन। हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर ड्यूरिंग वैक्सीनेशन के दौरान, जो स्टिमुलेट करता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडीज बनाता है कुछ समय बाद, वो डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग जर्म। तो क्या होता है, वैक्सीन हम डालते हैं बॉडी में, ठीक है, तो जो हमारे डिजीज कॉजिंग जर्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं इफ दे इंटर इंटर द बॉडी, अगर बॉडी में वो इंटर करते हैं, जो जम्स बॉडी में इंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते थे कौन डिफरेंट टाइप्स के हमारे इस चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई बार आता है, तो इनका अगर हम देखें ग्रैनुलर टाइप के हमने पढ़े थे भी WBC एंड नॉन ग्रैनुलर्स। सो ग्रैनुलर टाइप्स में हमारे सबसे पहले होते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो हमारी बॉडी में 62% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इनका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से, एंड इनमें न्यूक्लियस होता है 3 to 4 लोब्स, मतलब इनके जो न्यूक्लियस होते हैं 2 या 3 लोब्स में होते, ये हमारी पूरी एक सेल है इस तरीके से। हम न्यूट्रोफिल का एक सेल देखो, इसका जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है, ये 3 लोब है मतलब 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड है। ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ग्रैनुल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है। स्टेन विद न्यूट्रल डाइस, अगर हम इसको स्टेन करें तो ये हमारे डाइस को स्टेन ले लेता है। अब इसका जो फंक्शन होता है, इनगल्फ करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को खा देता है, दैट इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रोफिल्स के बारे में अच्छे से। नंबर सेकंड इज इस्टनोफिल, इस्टनोफिल जो होता है 2 to 3% होता है हमारी बॉडी में, एंड इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, पूरी सेल है, ये लोब्यूल्स 2 लोब्यूल्स है इस्टनोफिल की, ये देख रहे हो आप। सो लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स, इसके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स से बड़े हैं इन कंपेयर टू द न्यूट्रोफिल्स। सो स्टेन डार्क रेड विद इओसिन, हम जब इसको स्टेन करते हैं ब्लड स्टेन करते हैं विद इओसिन से, तो ये क्या होते हैं डार्क रेड कलर के इसके स्टेन्स बन जाते हैं। तो इसका जो काम होता है इनगल्फिंग बैक्टीरिया, सीक्रेट एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन भी सीक्रेट करता है, एंड ये बोन मैरो में ही से बनता है। थर्ड वन इज ए बेसोफिल, बेसोफिल हमारा इस तरीके से होता है, ये सेल है एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्जर एंड इनडिस्टिंक्टली, न्यूक्लियस से देखो बहुत बड़ा न्यूक्लियस है इसका, ग्रेनुल स्टेन्स विद बेसिक डाई, तो इसके जो ग्रेनुल्स होते हैं वो स्टेन हो जाते हैं एंड ये रिलीज करते हैं केमिकल जिसको कहते हैं हिस्टामिन्स फॉर इन्फ्लेमेशन। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो ये हमारा बेसोफिल क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन्स, ओके, जो ब्लड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। सो अब ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में। तो सारे ऑल द जितने भी हमारे न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स और इस्टनोफिल्स जितने हमारे WBC बोन मैरो से ही बनते हैं, तो इनका अगर प्रोडक्शन साइट देखें तो एक ही है, दैट इज बोन मैरो। अब है नॉन ग्रेनुलर, नॉन ग्रेनुलर क्या होते हैं, हमारे 2 होते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नॉन ग्रेनुलर इसलिए बोलते क्योंकि इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें ग्रेनुल्स नहीं होते एंड इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो बहुत बड़ा होता है। जैसे कि हम लिम्फोसाइट्स अगर हम देखें तो लिम्फोसाइट्स में ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एंड इसका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है, स्मॉलेस्ट ऑफ WBC एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट, बट इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये जो हमारा लिम्फोसाइट्स होता है, ऑलवेज आप याद रखिए कि ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, इसका काम ये है,
एंड ये कहाँ बनता है? बोन मैरो में होता है, लिम्फ ग्लैंड्स में होते हैं, स्प्लीन में, टॉन्सिल में, वहाँ से बनता है। दूसरा होता है हमारा मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारा 5-3% होता है। इसका ये लार्जेस्ट ऑफ WBC न्यूक्लियर, WBC लार्जेस्ट होता है सबसे। न्यूक्लियस लार्जर, किडनी शेप, न्यूक्लियस जो होता है इसका किडनी का शेप का होता है, लार्ज होता है। एंड इसका जो काम होता है, इंजेस्ट जर्म्स को इंजेक्ट करता है एंड बोन मैरो में बनता है। तो ये थे हमारे सारे ग्रेनुलर एंड नॉन ग्रेनुलर टाइप के WBC। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से याद करोगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इतना ही काफ़ी है इसमें। अब हम इसकी बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसका क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स आर माइन्यूट ओवल और राउंड स्ट्रक्चर, नॉन न्यूक्लेटेड, फ्लोटिंग इन द ब्लड। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ओवल साइज के होते हैं, ये ब्लड में फ्लोट करते हैं। दीज आर अबाउट 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक mm। ये 2 से 4 लाख हमारी बॉडी में पाए जाते हैं इन अडल्ट में। द प्लेटलेट्स आर ड्राइव फ्रॉम स्मॉल जाइंट सेल्स, इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स हमारे कहाँ से बनते हैं? मेगा कैरोसाइट से बनते इन द रेड बोन मैरो में। दीज आर बडेड ऑफ फ्रॉम द मेगा कैरोसाइट्स इन ए मैनर दैट ईच वन इज कम्प्लीटली सराउंडिंग विद मेम्ब्रेन। देयर लाइफ स्पैन इज 3-5 डेज, 3 से 5 दिन की होती है। एंड आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन द स्प्लीन, और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एट द साइट ऑफ द इंजरी द प्लेटलेट्स डिस इंटीग्रेट टू रिलीज द केमिकल सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेस विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब प्लेटलेट्स टूटता है तो एक केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, एंड ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तो अगर इसका हम फंक्शन देखें ब्लड क्लॉटिंग का, तो सबसे पहले इसका फंक्शन होता है कोगुलेशन का, ब्लड को क्लॉट करने का। तो व्हेन द ब्लड वेसल इज कट, जब हमारे ब्लड वेसल्स कट जाती है, ब्लड एस्केप फ्रॉम इट, बट सून ए क्लॉट इज फॉर्म्ड ऑन द वुंड। तो हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। एंड द फ्लो ऑफ द ब्लड इज स्टॉप, और ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है। इफ़ इट इज़ वर नॉट सो द इंजर्ड पर्सन वुड ब्लीड टू डेथ, अगर ऐसा नहीं होता है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो क्लॉटिंग आल्सो कॉल्ड कोगुलेशन अकर इन द सीरीज ऑफ स्टेप एज फॉलो। तो उसी कुछ स्टेप होते कैसे होता है कोगुलेशन। तो सबसे पहले द इंजर्ड ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स विच डिस इंटीग्रेट एट द साइट ऑफ द वुंड रिलीज अ सब्सटेंस थ्रोम्बोकाइनेस। अब हम इस तरीके से देखते हैं, ये ब्लड वेसल से डैमेज हो गई है, यहाँ से एक केमिकल रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड द थ्रोम्बोकाइनेस। इट इज कॉल्ड द थ्रोम्बोप्लास्टिन्स भी बोलते हैं इसको फैक्टर एक्स भी बोलते हैं। द थ्रोम्बोकाइनेस एक्ट एज ए एंजाइम, एंजाइम की तरह काम करता है। एंड विच विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इट कन्वर्ट ए सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन ऑफ द प्लाज्मा इंटू द थ्रोम्बिन। ये क्या करता है हमारा, अगर इसका ये डायग्राम आप याद कर लो अच्छे से, तो सबसे पहले जब हमारे कोई भी ब्लड वेसल्स कट जाता है तो वहाँ से केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। तो थ्रोम्बोकाइनेस हमारा, इसको हम एक्स फैक्टर भी बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं। तो ये हमारे कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, तो कैल्शियम के साथ बाइंड करके जाता है प्लाज्मा में, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को ये कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। ओके, एंड विटामिन के इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। और एक और चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ अ विटामिन के की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है थ्रोम्बिन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन रिएक्ट विद द सॉल्युबल फाइब्रोनोजन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, हमारे कैल्शियम आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ये फाइब्रोनोजन जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है उसको करता है, कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन ये हमारा इनसॉल्युबल होता है, एंड ये थ्रेड काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, ये एक थ्रेड से बनाना शुरू कर देता है। एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो फॉर्म द क्लॉट, ये हमारा क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन, द नेटवर्क देन श्रिंक एंड स्क्विंच आउट द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज द फॉर्म ऑफ द क्लियर लिक्विड द सीरम। द सॉलिड मास विच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड द क्लॉट। अब हमारे कहते हैं ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आर ट्रैप्ड इन ए नेटवर्क, तो वो हमारे एक फाइब्रिन के यहाँ पे चिपक जाती है। एंड देन श्रिंक, तो पूरा क्या हो जाता है, वहाँ पर श्रिंक हो जाता है, स्क्विंच हो जाता है
आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लाज्मा विच इज़ द फॉर्म ऑफ द क्लियर लिक्विड द सीरम, सीरम अलग हो जाता है, द सॉलिड मास जो बच जाता है वो हमारा क्लॉट फॉर्म कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रम्बोसिस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है एंड इसको शॉर्ट नोट आता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक था, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।